हेलो गाइस, वेलकम टू सुख समास। आई एम तमन्ना मेहता, सुख समास सेल्फ लर्निंग कोच। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे सीड क्या होता है, कौन से टाइप के सीड्स होते हैं हमारे पास, एंड देन उसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम लोग। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इजी टॉपिक है to get your marks in this topic. Okay, so हमें just अपने facts clear करने हैं and we can easily go through this topic. Okay, सबसे पहले अब seed क्या होता है? तो seed एक, अगर हम बहुत basic language में बात करें, तो matured ovule होता है जो, matured ovule होता है जो, उसको हम seed कहते हैं. Okay, so seed is what? Seed is the matured ovule. ठीक है, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो angiosperms होते हैं हमारे, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कि सीड में कॉटिलेडन कितने प्रेजेंट है। जो सीड है उसमें कॉटिलेडन्स कितने प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जो एंजियोस्पर्म्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट आर मोनोकॉट्स एंड अनदर वन इज डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है, सिंगल कॉटिलेडन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स एंड टू कॉटिलेडन आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ डाइकॉट्स। ठीक है, बहुत क्लियर चल रहा है कि एंजियोस्पर्म्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड, कि सीड में कितने कॉटिलेडन प्रेजेंट हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दैट आर मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स के केस में क्या है, मोनोकॉट्स के केस में सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, जबकि डाइकॉट्स के केस में क्या होता है, डाइकॉट्स के केस में हमारे पास दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से, अब ये भी हमें, हमसे पूछा जा सकता है, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, लाइक अ राइपेंड या फिर मैच्योर, राइपेंड मैच्योर ओव्यूल इज, और हमें आगे ऑप्शन क्या क्या दे दिए, ऑप्शन ए उन्होंने बोल दिया फ्रूट, ऑप्शन बी फ्लावर, ऑप्शन सी सीड एंड ऑप्शन डी ओवरी। सो दे हैव आस्क्ड कि राइपेंड मैच्योर ओव्यूल क्या है, तो हमारे पास ऑप्शंस में है फ्रूट है, सीड है, फ्लावर है, ओवरी है, क्या है? तो इसमें क्या हमारा आंसर बनेगा, सीड इज गोइंग टू बी द आंसर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सीड क्या है, सिंपल लैंग्वेज, सीड क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल कौन सा, मैच्योर्ड ओव्यूल या फिर राइपेंड ओव्यूल जो होता है उसको हम सीड कहते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब जो मोनोकॉटिलेडन है, मोनोकॉट जो सीड है हमारा, वो इट कैन बी एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, इट कैन बी एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मोनोकॉटिलेडन सीड्स आर गोइंग टू बी एंडोस्पर्मिक इन नेचर, बट इन सम केसेस मोनोकॉटिलेडन सीड या मोनोकॉट सीड कैन बी नॉन एंडोस्पर्मिक। अब नॉन एंडोस्पर्मिक बहुत रेयर होता है, रेयर की हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, इन केस ऑफ ऑर्किड्स द मोनोकॉट सीड इज गोइंग टू बी नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, अब एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक क्या हुआ, एंडोस्पर्मिक क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। आगे हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। सो द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म इज गोइंग टू मेक द सीड एंडोस्पर्मिक एंड द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं एब्सेंस, द एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म इज गोइंग टू नेम द सीड एज नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, सो द मोनोकॉट सीड कैन बी बोथ एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक इन नेचर। अब देखते हैं इन मेज सीड के अंदर क्या होता है, विच इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो कि सबको ऑलरेडी पता होती है। मेज सीड के अंदर क्या होता है, मेज सीड के अंदर जो हमारा सीड कोट है, जो कि मेम्ब्रेनस है, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। हियर द सीड कोट, यहाँ पे हम लिख देते हैं सीड कोट इज fused
सीड कोट इज फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल. सीड कोट है जो वो फ्यूज होता है फ्रूट वॉल के साथ, जो कि यहाँ पे हम लोग क्लियरली विजिबल है, ये लेबलिंग हुई हुई है, ये एक ही स्ट्रक्चर है क्योंकि जो हमारा सीड कोट है दैट इज ऑलरेडी फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल. ओके, तो ये दोनों फ्यूज्ड है. आगे क्या है हमारे पास, एंडोस्पर्म है. सो व्हाट वी कैन हियर सी इज जो एंडोस्पर्म है दैट इज अ बल्की स्ट्रक्चर. वी आर गोइंग टू लेबल इट ओवर हियर. बल्की स्ट्रक्चर, बल्की है इन नेचर एंड द फंक्शन ऑफ दिस एंडोस्पर्म इज इट स्टोर्स फूड. इट स्टोर्स फूड. बल्की तो है, जो एंडोस्पर्म है वो बल्की तो है, बट बल्की के साथ साथ क्या है कि इट स्टोर्स फूड. ओके, सो एंडोस्पर्म इज बल्की इन नेचर एंड इट स्टोर्स फूड. अब एंडोस्पर्म को जो बाकी सीड के साथ डिफरेंशिएट कर रहा है या सेपरेट कर रहा है, वो एक लेयर सेपरेट कर रही है, विच लेयर इज नोन टू बी एज एल्यूरोन लेयर. एल्यूरोन लेयर है जो वो सेपरेट आउट कर रही है एंडोस्पर्म को विद द रेस्ट ऑफ द सीड, एंड दैट एल्यूरोन लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. सो प्रोटीनियस लेयर प्रेजेंट होती है एंडोस्पर्म के सराउंडिंग में, जो कि सेपरेशन पर्पस के लिए काम आती है, एंड दैट लेयर इज नेम्ड टू बी एज एल्यूरोन लेयर. दैट लेयर इज नोन एज एल्यूरोन लेयर. ओके, दैट इज गोइंग टू सेपरेट द एंडोस्पर्म विद द रेस्ट ऑफ द सीड. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड देयर इज अ पार्ट विच इज नोन टू बी एज स्क्यूटलम. स्क्यूटलम एक ऐसा पार्ट है, इट इज अ लार्ज कॉटिलेडन. हैव अ लार्ज कॉटिलेडन एंड नेम टू बी एज स्क्यूटिलम. ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि जिस लार्ज कॉटिलेडन स्ट्रक्चर दैट इज नोन टू बी एज स्क्यूटिलम. और इसका काम मतलब ये कौन, मतलब एक शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये बच्चे, ये एक शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लार्ज होता है कॉटिलेडन एंड एक शील्ड शेप स्ट्रक्चर होता है. स्क्यूटिलम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमें पता है कि सीड के प्लम्यूल पोर्शन से शूट अराइज होती है, या हम बोल सकते हैं शूट सिस्टम अराइज होता है. राइट, शूट सिस्टम अराइज होता है. और हमें पता है कि रेडिकल से क्या होता है, रेडिकल से हमें पता है कि रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम होता है वो अराइज होता है. राइट, तो अभी जो ये प्लम्यूल और रेडिकल है ये जिस पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, और उस वो लार्ज कॉटिलेडन को जो कि शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्क्यूटलम. ओके, एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट सीड, देयर हेयर देयर इज अ स्पेशलिटी इन प्लम्यूल एंड रेडिकल. द प्लम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन अ स्ट्रक्चर वेयर द प्लम्यूल इज एनक्लोज्ड इन द स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन टू बी एज कॉलियोपटाइल. मतलब कॉलियोपटाइल इज अ, इट इज अ, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज अ एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर इट इज अ एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग प्लम्यूल. प्लम्यूल को प्रोटेक्ट करता हुआ एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कॉलियोपटाइल. मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मोनोकॉटिलेडन के केस में क्या होता है, जो प्लम्यूल और रेडिकल होते हैं उनके ऊपर एक शील्ड टाइप एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करके रखता है. तो जो प्लम्यूल को एनक्लोज करके रखता है उसका नाम है कॉलियोपटाइल, एंड जो रेडिकल को एनक्लोज करके रखता है दैट इज कॉलियोराइजा. ओके, अगेन दिस कॉलियोराइजा इज ऑल्सो एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर. यहाँ पे लिख देते हैं It is also enclosed structure. ठीक है, enclosed structure है protecting radical. देख रहे हैं हम की कॉलियोराइजर क्या है, enclosed structure है that is protecting radical. Similar manner में जो कॉलियोपटाइल है वो एक enclosed structure है that is protecting plumule. ये चीज हमें पता है, बहुत क्लियरली हमें ये चीज पता दिख रही है हमें. So it can be asked like name the protective sheath covering plumule. नेम द प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग प्लम्यूल. अब हमारे पास ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें आएंगी, बट जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, कॉलियोपटाइल.
कॉलियोपटाइल इज गोइंग टू बी द आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सी शीट है जो प्रम्यूल को कवर करके रख रही है, एनक्लोज करके रख रही है. तो जो ये शीट है उसका नाम क्या है? कॉलियोपटाइल. ठीक है, तो हमने अभी ये स्ट्रक्चर देख लिया जिसमें हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने स्क्लेरोटलम के बारे में पढ़ लिया है, हमने कॉलियोपटाइल के बारे में पढ़ लिया. प्रम्यूल एंड रेडिकल हमें ऑलरेडी पता भी थे, फिर भी हमने रिवाइज कर लिया है. कॉलराइजा के बारे में पढ़ लिया, एल्यूरोन लेयर के बारे में पढ़ लिया. एंड फ्रॉम एल्यूरोन लेयर इट कैन बी आस्क्ड जैसे कि नेम द बायोमोलिक्यूल, नेम द बायोमोलिक्यूल, नेम द बायोमोलिक्यूल मेड एल्यूरोन लेयर. कहते हैं कि नेम द बायोमोलिक्यूल विच इज मेकिंग द एल्यूरोन लेयर. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? द आंसर विल बी प्रोटीन, या तो प्रोटीन होगा या फिर क्या होगा? अमाइनो एसिड्स. हम देख लेते हैं, द प्रोटीन एंड द अमाइनो एसिड्स आर गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, तो हम बहुत इजीली हमने ये देख लिया एल्यूरोन लेयर होती है किसकी बनी होती है, हमने वो भी देख लिया. कौन सा बायोमॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, हमने वो भी देख लिया. सो कमिंग फॉरवर्ड हमारे पास जो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो डायकॉट सीड का स्ट्रक्चर. अब डायकॉट सीड मतलब कि जिसमें टू कॉटिलेडन्स आर प्रेजेंट. हम लिख लेते हैं यहाँ पे टू कॉटिलेडन्स आर प्रेजेंट. हमें पता है डायकॉट सीड में टू कॉटिलेडन्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. लाइक इन दिस डायग्राम वी कैन इजिली सी कि दो कॉटिलेडन प्रेजेंट. अब कॉटिलेडन का फंक्शन क्या होता है? दिस प्रोवाइड द नरिशमेंट, प्रोवाइड्स द नरिशमेंट. ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सीड को ग्रो करने के लिए भी नरिशमेंट चाहिए होगी. तो जो एनर्जी, जो नरिशमेंट प्रोवाइड होती है सीड को, वो कॉटिलेडन प्रोवाइड करता है. अब जो सीड है हमारा उसमें प्रिम्यूल पोर्शन होता है, हमें पता है यहाँ से क्या निकलता है? शूट. हमारा शूट सिस्टम हमारा राइज होता है. ठीक है, शूट हमारी निकलती है प्रिम्यूल से. और रेडिकल से क्या निकलता है? हमारी रूट राइज होती है, रूट सिस्टम हमारा निकलता है. राइट, तो हमें ये चीजें पता है और हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिवाइज कर लिया. अब उसके अलावा जो डायकॉट सीड की स्पेशलिटी है वो क्या है कि यहाँ पे सीड कोट अलग से प्रेजेंट होता है. जो सीड कोट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इट इज द आउटर कवरिंग. आउटर कवरिंग एज द नेम सजेस्ट, सीड कोट है, मतलब इट इज गोइंग टू बी द आउटर कवरिंग. एंड दिस आउटर कवरिंग इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट पार्ट, वन इज टेस्टा एंड अनदर वन इज टेगमेंट. जो अब ये आउटर तो है, आउटर में भी जो सबसे बाहर वाली लेयर प्रेजेंट होती है वो टेस्टा है, और जो उसके कंपैरेटिवली है, तो दोनों आउटर बट उसके कंपैरेटिवली जो इनर में प्रेजेंट है दैट लेयर इज टेगमेंट. ओके, इन दिस स्ट्रक्चर आल्सो यू कैन सी दिस इज सीड कोट. ठीक है, एंड सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड. एंड इन दिस सीड कोट द आउटर लेयर इज नोन टू बी एज टेस्टा एंड द इनर साइड ऑफ दैट आउटर लेयर इज गोइंग टू बी द टेगमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी द इन द साइड. ओके, एंड here is a scar-like structure which is known to be as hilum. एक scar-like structure होता है, scar होता है. There is the presence of scar which is known to be as hilum. तो ये जो scar है इसका काम क्या होता है, ये hilum का काम क्या होता है, scar का काम क्या होता है? जो developing seed है that gets attached to the fruit with the help of hilum. Developing seed attached to the fruit. The developing seed hai that get attached to the fruit with the help of hilum. And aage micropyle kya hota hai? There is a small pore. It is a small pore above hilum. Hilum ke upar ek small pore present hota hai which is known to be as micropyle. ठीक है, यहाँ पे label bhi hai ki micropyle hota hai. It is a small pore. Aur small pore ka function kya hota hai? Yahan pe pollen tube hai, jo pollen tube enter into ovule. The pollen tube hai that get enter into the ovule with the help of micropyle. Okay, with the help of micropyle, the pollen tube is going to be entered in this ovule. Okay, ab moving forward. वैसे तो हमें पता है एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक होता है. तो जो बहुत कॉमन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड्स हैं उनके एग्जांपल क्या है?
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की एग्जांपल क्या है? हमें पता है उसकी एग्जांपल है ग्राम, ग्राम सीड्स एंड बीन्स. दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक. एंड इन द केस ऑफ अगर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है, पहली बात तो कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म क्यों होगी? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म होगी. एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन हमें पता है फूड स्टोरेज होता है, रिजर्व फूड मटेरियल ये रखता है. तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इट इज गोइंग टू बी because of double fertilization, this is going to be present. Formation of endosperm is going to be the result of double fertilization. और इसके example क्या है? किस केस में ये होता है? In case of castor seeds, ये चीज बहुत common होती है. Okay ना जी? तो ये चीज बहुत common होती है in case of castor seeds. So this is all about monocotyledon and dicotyledon structure. अब इसमें से हम क्या क्या, हमें ये भी पूछा जा सकता है कि अब जैसे ये बन सकता है कि which one is not found in seed. हमें अगर पूछ लें कि which one is not found in seed, और आगे से हमें ऑप्शन क्या क्या दे रहे हैं, एंडोस्पर्म. क्या एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है सीड में? यस, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन सीड. नेक्स्ट हमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं, कॉटिलेडन. कॉटिलेडन, क्या कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है हमारे सीड में? यस, कॉटिलेडन इज अगेन प्रेजेंट इन आर सीड. स्टाइल, क्या स्टाइल प्रेजेंट होता है? नहीं, होता तो नहीं है, पर अगला ऑप्शन देख देते हैं ऑल. तो ऑब्वियसली इस केस में जो आंसर बनेगा वो क्या रहेगा? स्टाइल रहेगा. और भी क्या कह सकते हैं हमें? और हमें कह सकते हैं कि जो कॉटिलेडन है, ये भी हम लोग बहुत इजिली बना सकते हैं कि जो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन आर पार्ट ऑफ Which of the following? Cotyledon है जो वो पार्ट है, which of the following? अब हमें ऑप्शन में क्या क्या दे दिया? ऑप्शन में हमें दे दिया एंडोस्पर्म. तो क्या कॉटिलेडन पार्ट है एंडोस्पर्म का? नहीं है. उन्होंने हमें बोल दिया एम्ब्रियो. तो क्या है? हाँ, एम्ब्रियो लग तो रहा है. बट आगे वाले ऑप्शन भी देखते हैं हमें. आगे उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया आपको, बोथ ए एंड बी. तो ये तो गलत हो जाएगा. ए तो है नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है. डी में उन्होंने दे दिया नन, ये भी ऑप्शन गलत है. सो इन दिस केस द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. ओके, एम्ब्रियो इज गोइंग टू बी द आंसर. कॉटिलेडन आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. ओके, अगेन इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following does not have dicot seed? किसके अंदर dicot seed नहीं present होता है? अब हमें option दे दिया उन्होंने, पी के अंदर होता है, होता है. ग्राम के अंदर होता है, होता है. मैंगो के अंदर होता है, होता है. डी option दे दिया, राइस. सो इन दिस केस राइस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. सो इन दिस मैनर आप यहाँ पे अपने ऑप्शन को चेंज कर करके आप अपने जो हमारे मतलब हमारे आंसर है वो चेंज कर सकते हैं. अभी आप यहाँ पे अगर ऑप्शन चेंज कर लेंगे देन अगेन आंसर विल गेट चेंज. ओके, तो अब देखते हैं पोस्ट करके एमसीक्यू. सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर जाना है, विच इज www.suchamas.com. वहां पर जब आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस विजिबल होंगे, दैट इज वॉल, क्वेश्चन, ई नोट, कैलकुलेशन, एमसीक्यू. जब आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस एंड पे एक पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन विजिबल होगा. जब आप पोस्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको अपना एमसीक्यू का क्वेश्चन पुट करना है. वहां पे प्रॉपर आपको स्पेस अवेलेबल है. आपने जब क्वेश्चन पुट कर लिया अपना, देन आपके पास टैग्स हैं. टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टैग से हमारे क्वेश्चन को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है. दीज टैग आर गोइंग टू हेल्प आवर क्वेश्चन टू गेट रिकॉग्नाइज्ड इजीली. जैसे कि हमने यहाँ पे टैग दिया जो कि रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन है, जैसे कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बॉटनी का, एंड रिलेटेड टू सीड साइंस है. तो हमने ये सारे टैग दे दिए ताकि हमारे क्वेश्चन को एक पहचान मिल जाए, ताकि एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए. ओके, देन हमारे पास ऑप्शंस करके
स्पेस अवेलेबल है जिसमें हमें ऑप्शन वन दिया हुआ है, यहाँ पे हम अपना ऑप्शन ए डाल सकते हैं, ऑप्शन बी डाल सकते हैं, ऐसे करते करते हम अपने चार ऑप्शन डाल सकते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक करेक्ट होगा। देन आगे हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमें यहाँ पे पुट करना है कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन फोर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन फोर पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने ऑप्शन फोर पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको पोस्ट एमसीक्यू का एक ऑप्शन क्लिक होगा, तो आपको उसको क्लिक करना है। मुझे यहाँ पे अपडेट एमसीक्यू का शो हो रहा है, रीजन ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर रखा है, इसको मैंने एडिटेबल फॉर्म में ओपन किया हुआ है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज शोइंग अपडेट एमसीक्यू ओवर हियर। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है आपको कुछ इस वे में विजिबल होगा, इस वे में जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन विजिबल होगा, ये आपके ऑप्शंस विजिबल होंगे, एंड देन यहाँ पे आपको आंसर भी आपका विजिबल होगा कि दिस इज द करेक्ट आंसर, लाइक इन दिस केस आंसर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो अब ये हमें क्वेश्चन पोस्ट करने से मिल क्या रहा है, हमें क्वेश्चन पोस्ट करने से हमारे पास पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि आप अपने बियॉन्ड नोइंग में जाकर पॉइंट टेबल पे जब आप जाएंगे तो आपको आपके वहां पे पॉइंट्स विजिबल होंगे। जैसे कि अभी हमने एक अपना एमसीक्यू पोस्ट किया, तो उस एमसीक्यू को पोस्ट करने के लिए हमें 10 पॉइंट्स मिले। इन अ सिमिलर मैनर आपको क्लैप करने के पॉइंट्स मिलते हैं, आपको कमेंट करने के पॉइंट्स मिलते हैं, दैट ऑल इज राइटेबल ओवर हियर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किस चीज के कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो इस वे में आप अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। पॉइंट्स इंक्रीज करने का हमें बेनिफिट ये है कि पॉइंट्स इंक्रीज करने से हमारा जो वीकली रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट समटाइम एंड इन ऑल्टरनेट मैनर, कभी कभी वो हमारे कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे होता है। और इससे जब हम अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ से हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं विन करने के, जब हमारे रिजल्ट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स आएगा तो उस केस में न्यू कमर्स को एक ऑप्शन मिल जाती है विन करने के लिए। सो वी कैन इंक्रीज आवर पॉइंट्स बाय डिफरेंट मोड, जैसे क्लैप, कमेंट, एंड वी कैन विन इन दिस गेम। ओके सो गाइज, मेरे लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम, रिवाइज द टॉपिक, प्रैक्टिस द क्वेश्चन, एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टेड बनाने के लिए सुक्समास ब्रॉट यू अ सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड मी। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। इस गेम की खास बात यह है कि आपको यहाँ एक सेल्फ मेड एमसीक्यू एंड एक आंसर पोस्ट, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती है, जो कि आपकी एवरी डे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है। ओके गाइज, विल एंड आवर पार्ट टुडेज सेशन ओवर हियर, टू गेट माई क्वेश्चन एंड नोट्स फॉलो मी ऑन सुक्समास, दिस विल ऑल्सो अलाउ मी टू सी योर वर्जन ऑफ क्वेश्चन ओवर देयर। गेट माई प्रोफाइल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैं बता दूं कि ज्वाइनिंग सुक्समास इज कम्प्लीटली फ्री, और अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हैं, आप अपने पॉइंट्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं एंड विनर बनना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब बियॉन्ड नोइंग। सो बिगिन योर सोशल मीडिया लर्निंग एक्सपीरियंस टुडे, एंड अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हैं, देन पार्टिसिपेट इन बियॉन्ड नोइंग गेम यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज TAMA26034, टू प्ले गेम्स अंडर माई ग्रुप एंड टू गेट maximum discount. Thank you.